हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आर्सेनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखने के इच्छुक हो या अभी प्रेजेंट टाइम आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IGST टैक्स की कैलकुलेशन को लेके। तो दोस्तों, जब हम विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि हमारा कोई कस्टमर है और वो हमारे स्टेट का ही है, तब हम जब सेल इनवॉइस इशू करते हैं तो हम CGST टैक्स और SGST टैक्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर हमारा आउट ऑफ स्टेट का है तो उसके लिए हम IGST टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर CGST टैक्स और SGST टैक्स की तो कैलकुलेशन कर देता है, लेकिन IGST टैक्स की कैलकुलेशन है जो प्रॉपर नहीं करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? भी CGST टैक्स और SGST टैक्स की तो कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन IGST टैक्स की कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं करता। तो इसके पीछे दो मेन रीजन होते हैं जो आपके साथ इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने सीखा था, अगर हमारा सॉफ्टवेयर CGST टैक्स और SGST टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो उसके पीछे मेन 5 जो मिस्टेक कर देते हैं फ्रेशर अकाउंटेंट, उसके बारे में हमने डिटेल के साथ चर्चा करी थी। अगर आपने CGST और SGST टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से करती है, कौन सी 5 मिस्टेक से आपको बचना होता है, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपका इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखना। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IGST टैक्स की कैलकुलेशन को लेके, यानी कि हमें कौन सी ऐसी 2 मिस्टेक से बचना होता है जिसकी वजह से हमारा सेल इनवॉइस के अंदर या फिर परचेज इनवॉइस के अंदर हमारा IGST टैक्स है जो प्रॉपर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होता। तो 2 ऐसे रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक सेल इनवॉइस बना के देखते हैं हमारे लोकल का। अब मान लीजिए हमने एक कस्टमर को सिलेक्ट किया, सेल इनवॉइस पे हम जाते हैं, कोई स्टॉक आइटम यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी हम डाल देते हैं और उसके बाद में हम यहाँ से CGST टैक्स और SGST टैक्स को लगा देते हैं। तो आप देख रहे हो हमारा CGST टैक्स और SGST टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से हो रही है। लेकिन अगर हम यूज़ करें यहाँ पर IGST टैक्स, तो हम दोनों टैक्स को एक बार यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम करते हैं IGST टैक्स। तो दोस्तों, आप देख रहे हो IGST टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर इसने नहीं करी। तो इसके पीछे का कारण, जो फर्स्ट कारण होता है, जो आपने कस्टमर यहाँ पर सिलेक्ट किया है, यानी कि जो हम सेल इनवॉइस इशू करते वक्त जो पार्टी अकाउंट नेम में जो हम कस्टमर का नाम यहाँ पर डालते हैं, तो उसका सबसे पहले हमें स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक बार इसको कंट्रोल एंटर के साथ इसको मॉडिफाई करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो इसका जो हमने स्टेट दिया हुआ है वो राजस्थान का दिया हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपका IGST टैक्स कैलकुलेशन नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कोई भी हम XYZ ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर हमने क्रिएट कर दिया और ये हमारा कस्टमर है, तो हम इसको रखेंगे सैलरी डेप्टर में और उसके बाद मेंटेन बिल बाय डिटेल TDS और TCS को हम एक बार नो रखेंगे। देन आपको ये स्टेट है, ये स्टेट आपको विशेषकर से ध्यान रखना है भी जो आपका कस्टमर है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट का है तो वो कौन से स्टेट का है। मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया पंजाब, और उसके बाद में अगर वो रेगुलर है तो आपको उसका GST नंबर प्रॉपर वगैरह यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल कस्टमर है तो आप इसको अनरजिस्टर्ड रख सकते हो। और उसके बाद में प्रोडक्ट आपका सेम है, उसके बाद इंटरफेस किया और उसके बाद IGST टैक्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसने IGST टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो 18% ऑटोमेटिक कर ली है। अगर आपका स्टेट का जो कस्टमर का जो स्टेट है, अगर आपने उसको बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन कर दिया, यानी कि आउट ऑफ स्टेट है जैसे पंजाब के, तो पंजाब आपने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी IGST टैक्स की अगर कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होती है तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न हो सकता है जैसे कि हमने यहाँ पर जो हम सेल का लेजर जो हम क्रिएट करते हैं, ये वाला GST 18% सेल, तो जब हम सेल को करते हैं यस करते हैं
तो आपको यहां पर देख लेना है आपने यहां पर नोट एप्लीकेबल किया हुआ है या सेल टैक्सेबल किया हुआ है या फिर इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल किया हुआ है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ स्टेट को सेल कर रहे हो कस्टमर को तो उस दौरान आपको इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल देना होता है। अगर गलती से आपने यहां पर सेल टैक्सेबल रख लिया तो इसकी वजह से भी आपका जो टैक्स है वो प्रॉपर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होता। अब मान लीजिए यहां पर आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ, ओनली नॉट एप्लीकेबल रखा हुआ है और सब कुछ आपने जीरो कर रखा है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो विंडो हमारे साथ आती है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी के अंदर नॉट एप्लीकेबल रह जाता है, तो अब जैसा कि मेरा यहां पे इसके प्रॉपर सेटिंग करी हुई है तो ये प्रॉपर आ रहा है। अगर आपके पास ये नहीं आता है तो आपको यहां पर विशेष ध्यान में रखना होगा, ये जो विंडो हमारे सामने अभी होती है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल की, और यहां पर जो आएगा क्लासिफिकेशन यानी कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हमारे से पूछेगा वो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल होना चाहिए, तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि अब ये जो मेरी कंपनी जो चल रही है ये प्रॉपर रनिंग में चल रही है तो इसमें सेटिंग सबसे पहले चल रही है तो ये ऑटोमेटिक यहां पर इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल आ रहा है। अगर यहां पर मैं लोकल का कस्टमर अगर सेलेक्ट करता हूं, जैसा कि वापस हम बीएस ट्रेडिंग को करते हैं और उसके बाद में सेल टैक्सेबल, तो आप देख रहे हो ये लोकल का कस्टमर मानते हुए इसने ऑटोमेटिक यहां पर सेल टैक्सेबल कर दिया, तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। तो उस दौरान आपको अगर आपका कस्टमर आउट ऑफ स्टेट के तो यहां पर सेल टैक्सेबल की जगह आपको इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल देना होगा, जो कि हम यहां पर करेंगे और ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी, तो यहां पर आपको इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल करना पड़ेगा, तो आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है आईजीएसटी टैक्स की वो सही तरीके से हो जाएगी। तो यानी कि दो बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात जब आप कस्टमर का लेजर क्रिएट करो तो उसका जो स्टेट है वो प्रॉपर आपको मेंटेन करना पड़ेगा राजस्थान के अलावा, क्योंकि जैसे आपने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे तो आईजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो जैसे अगर मैं यहीं पे इसी को अगर राजस्थान कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे राजस्थान कर दिया और उसके बाद में, तो अब यहाँ पे देखो राजस्थान कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो सेल टैक्स है जो 18% का लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। अगर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सेल टैक्सेबल लोकल की, तो ये आईजीएसटी टैक्स है यहाँ से गायब कर देगा, क्योंकि ये सेल टैक्सेबल को मानता है लोकल की सेल, यानी कि आपकी विद इन स्टेट, आपने जैसे हम राजस्थान में, आपने राजस्थान में ही कस्टमर को आपने सेल किया है तो आप आईजीएसटी टैक्स का यूज नहीं कर सकते। तो आपको ये दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है, सबसे पहला कस्टमर का जो स्टेट वापस हम चेंज कर देते हैं, और उसके बाद में जो सेकंड मिस्टेक हो जाती है वो हो जाती है हमारे से यहाँ पे, अब देखो आईजीएसटी फिर उसके बावजूद भी नहीं लिया, अब न लेने का कारण क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी टैक्स क्लासिफिकेशन की जो डिटेल है, ये वाली जो डिटेल हमारे पास आती है इसके अंदर अभी हमने सेल टैक्सेबल किया हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। तो जैसे इंटर स्टेट टैक्सेबल करेंगे तो ये 18% का टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स की तो कैलकुलेशन हो जाती है बट आईजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं होती, तो आपको इन दो रीजन को विशेषकर ध्यान में रखना है अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आती है तो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।